मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू आमी कृषि तड़का। मेरा नाम है अमृता और आज मैं बनाने जा रही हूँ खरबूज की रेसिपी। खरबूज बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा और यूनिक डेजर्ट रेसिपी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है इसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं खरबूज। खरबूज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप दही। 2 कप दही को मैंने कॉटन के कपड़े में डाल के उसका पूरा पानी निकाल के, और ये गाढ़ा दही मैंने लिया है तो ये 2 कप है। 2 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का आटा, कुछ केसर के धागे, 8-10 केसर के धागे, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 1 कप कंडेंस मिल्क, ये मीठा होता है इसलिए हम इसमें चीनी ऐड नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा होता है। 1 कप यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है। तो मैंने अब यहाँ पे ग्राइंडिंग जार ले लिया है, उसमें डालेंगे दही, कॉर्नफ्लावर का आटा, फुल क्रीम दूध, कंडेंस मिल्क। तो मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो 1/2 कप यहाँ पे आप मिल्क पाउडर ले सकते हो और 1/2 कप आप यहाँ पे पाउडर शुगर ले सकते हो कंडेंस मिल्क की जगह पे। तो हम इसे चला लेंगे, एक बार ग्राइंड कर लेंगे। देखिए मैंने 2 बार इसे चला लिया मिक्सी में और देखिए आप उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। अभी हम खरबूज को स्टीम करने वाले हैं तो स्टीम पे हमें उसे पकाना है। तो मैंने यहाँ पे एक स्टीमर ले लिया है, आप कुकर भी ले सकते हो अगर स्टीमर नहीं है आपके पास। और स्टीमर में मैंने यहाँ पे 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है तो आप पानी को गर्म होने देंगे। तो जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे ये मैंने बर्तन ले लिया है, गोल ऐसे बर्तन आप कोई भी ले सकते हो। उसमें मैंने ये जो ग्राइंड किया हुआ था वो डाल दिया। अब हम इसके ऊपर इलायची पाउडर इस तरह से डालेंगे ताकि दिखने में और भी अच्छा लगे। ये जो खरबूज है वो बेसिकली बनता है गाय के, जो गाय जब बच्चा देती है तो पहला जो दूध होता है उससे बनता है ये खरबूज, लेकिन हर टाइम वो अवेलेबल नहीं मिलता है हमें मार्केट में या कहीं भी। तो इसीलिए हम ये घर में अवेलेबल इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाते हैं और ये वैसा ही बनता है, उतना ही टेस्टी बनता है घर में भी। और उसके ऊपर आप कुछ केसर के धागे डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो या आप इसे कुछ इसमें उसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है आप वो भी डाल सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया है और यहाँ पे अब पानी भी गर्म हो चुका है, उबाल आ चुका है पानी में। तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और बिल्कुल सावधानी से मैंने यहाँ पे एक जाली रख दी है। आप कुकर में अगर रख रहे हो तो आप भी जाली रख सकते हो नीचे, और रखनी चाहिए जाली नीचे। और जाली के ऊपर इस तरह से हम ये रख देंगे और फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 30 मिनट तक स्टीम देना है इसको। अगर आप कुकर में रख रहे हो तो आपको बिना सीटी के रखना है क्योंकि हमें सीटी नहीं इसको स्टीम देना है, सीटी नहीं लगानी कुकर में। और अब हम इसे ढक के रख देंगे। देखिए आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम अंदर डाल के देखेंगे छुरी को, नाइफ को, और ये बिल्कुल क्लीन निकल के आई है। इसका मतलब कि हमारा जो खरबूज है बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देंगे और रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के बाद इसे हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए पूरी तरह से। देखिए आप देख सकते हैं 1 घंटा हो गया है और मैंने इसे फ्रिज में रखा था 1 घंटे तक। पहले रूम टेम्परेचर पे इसे मैंने ठंडा किया रूम टेम्परेचर पे, फिर उसके बाद मैंने 1 घंटा इसे फ्रिज में रखा और ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे हम नाइफ की मदद से पहले कट कर लेंगे साइड साइड से ताकि ये निकलने में आसानी हो। अभी हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए ठंडा होने के बाद कट करने में आसानी होती है।
और एक एक करके पीस ऐसे हम निकाल लेंगे इसमें से। और ये बहुत ही अच्छे से जम चुकी है, तो मैंने इस तरह से इसे प्लेट में निकाल लिया है। और मैं आपको बताती हूँ कितनी सॉफ्ट और अच्छी बनी है ये, देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट सेट हो चुकी है एकदम से। और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसे आप बाहर से ना ख़रीद करके आप इसे घर में ही हाइजीनिकली बना सकते हो। और आप भी इस मेरी सिंपल सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी डिश पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको भी प्लीज़ प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए हेल्दी खाओ, स्वस्थ रहो।